गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सानन्दं सुदाशतुतयो कान्ताप्रियालापिनी बृहस्पते अद्यतनुभाति छवसरित प्रजा तदस्माद्रविनन्धे चित्रं पाद्यायै विराजो परिधासीनि मालत्यादिन वै प्रभो मयार्पितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय परम Thank you.
वरती उतर वरती वरती थांब सवार कृष्ण नाम की नैया पे मैं होके चला सवार मुझको जाना है भवसागर के पार मुझको जाना है भवसागर के पार कृष्ण किनारा कृष्ण समंदर कृष्ण ही तारनहार कृष्ण किनारा कृष्ण समंदर कृष्ण ही तारनहार मुझको जाना है भवसागर के पार मुझको जाना है भवसागर के पार जय जय राधे जय जय कृष्णा जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे जय जय कृष्णा जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे जय जय कृष्णा जय जय राधे कृष्णा जय जय राधे जय जय कृष्णा जय जय राधे कृष्णा अर्पित कर डाला है मैंने कृष्ण चरण में तोड़ के नाता जग से आ बैठा हूँ कृष्ण चरण में स्वागत सर्व भक्तगणांना विनंती है स्वागतम गुरु जी सुस्वागतम श्री श्री 1008 श्री धर्म भास्कर महाराजांना विनंती है सप्ताहाची सुरुवात आपणा सर्वांचं हे परत महाभाग्य की या 40 नगरीमध्ये श्री श्री 1008 श्री धर्म भास्कर यज्ञपीठाधीश्वर
विद्या वाचस्पति श्री महंत स्वामी इंद्र देवे स्वरानंद सरस्वती जी महाराज यांचं आगमन होत आहे टाळ्यांच्या महागजरामध्ये दीप प्रज्वलनानं आपणा सर्वांच्या साक्षीनं आजपासून चालणारा या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी या आयोजन समितीचे आयोजक आयोजन समितीचे अध्यक्ष उद्धवराव धनाजी महाजन सर, उपाध्यक्ष नंदकिशोर मुरलीधरशर बावीसकर, सचिव किशोरजी वर्मा, प्रसिद्धी प्रमुख दत्तात्रय मालपुरे सर आणि सर्व भागवत कथा सप्ताह सोहळ्याची उत्सव समिती, त्याचप्रमाणे आरतीसाठी रवींद्रजी राजपूत, मुकुंदजी वर्मा आणि आदित्य महाजन, सुरेश तिवारी यांना मी आमंत्रित करतो मंचावर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दर्श कराने वाला ये शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती,
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सर्वशक्तिमान भगवान जो हर समय हर पल हमारे बीच में है, उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। जिनकी असीम कृपा से आज हमारे बीच में परमादरणीय परम संत श्रोमणीय श्री इंद्रदेव जी महाराज के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान है, उनके चरण बिंदु में नमन करते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चालीस गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। इस कथा के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना पवित्र धन ऐसे सदकाम में लगाया है, ऐसे पवित्र कार्य में लगाया है। आप लोगों से भी विनती है कि अपना धन ऐसे ही पवित्र कार्य में लगाते रहिए। और आप बड़े भाग्यवान हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। श्रीराधे, आज कथा के प्रथम दिन में प्रवेश करते हुए गुरुजी के श्री चरणों की ओर चलते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। जैसे दिन रात्रि से मिल रहा है वैसे जीव ब्रह्म से मिलना और उनका धन्यवाद उनका प्रणाम वंदन करना, ईश्वर के अनादि नाम का जाप करते हुए कथा का हम सब मंगल करेंगे। हो श्री परमात्मने नमः। सतगुरुदेवताय नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। भारतस्य पुण्यभूमै नमः। यः प्राणतो नमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। यैषे अश्यद्युपदश्य तुष्पदाः कस्मै देवाय हविषाभिधेम। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्
साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय, नमोभ्याम नमस्ते। अब सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, भगवान को प्रणाम वंदन कर लेंगे। तुम कण कण में समाये हुए और तुम में जगत समाया है, तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया। तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। तिनका हो या पर्वत हो ये सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के, तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो, जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। राम जी चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। Rama, 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 R
भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक बंधन। भागवत के सभी प्रमुख देवताओं का स्वागत बंधन स्थापन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का वंदन सत्कर्म करते हैं। राधा रानी सेवा समिति 40 गांव एवं भागवत के प्रमुख यजमान माता बहने और बंधु सबका अभिनंदन भागवत के इस प्रांगण में और सबकी आत्मा को पवित्र वंदन। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे। अभी हमारे आश्रम के विद्यार्थी जो कह रहे थे आपने उसको शायद सुना नहीं होगा ठीक से। उन्होंने एक भागवत का श्लोक ही कहा था, जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम। श्री भागवतम भवित पुण्यम, श्री आत्मनो भवित पुण्यम, योग क्षेमो कल्पताम तदो पुण्यम भागवतम यथा समय तथागतम। इस श्लोक का छोटा सा अंश ये बता रहा है कि व्यक्ति का जब बहुत लंबा जीवन पुण्य कर्मों से पूर्ण हो जाता है तब उसे भगवान की कथा सत्संग प्रवचन संत दर्शन प्रदान होता है प्राप्त होता है। आज की रात्रि की जो बोला है ऐसी वेला मुश्किल से हमें मिलती है। और आज का शाम हमारे लिए बहुत शुभ है, मंगलमय है। क्योंकि आदमी शाम को ज्यादा से ज्यादा आदमी थकता है, एनर्जी हीन होता है, उसकी शक्तियां कम होती हैं। और जब आदमी थके तो यहां पर साधुओं ने अपने आप एक मन से एक शब्द बनाया है, वो शब्द भी मैं आपको कहता हूं। साधु कहते हैं कि जब आदमी थाक हो जाए तब उसे कथा, और कथा का ही उल्टा है थाक। जब हमारा जीवन थकने लगे, परेशान होने लगे, एनर्जी हीन हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, सुखहीन हो जाए या चिंतित हो जाए, उस समय भागवत की कथा हमारे लिए अमृत औषधि का काम करते हैं। और वो अमृत औषधि जो है हमें आज उपलब्ध मिल रही है। ये आवाज थोड़ी सी भूंग जो है उसको कम कर दीजिए, और वो बाहर की जो आवाज जा रही है उसे कम कर दो, इसको थोड़ा ठीक कर दो। आज शक्ति विहीन शरीर में आज ये मौका मिला हमको, और उस अवसर का हमें पूर्ण लाभ लेना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक है, भगवान को प्रणाम किया उसमें, और
भगवान के उसमें गुण बताएं। इस श्लोक में भगवान का गुण क्या है? तापत्राय विनाशाय, एक गुण है ये। दूसरा क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान समस्त त्रापों का, तासों का, दुखों का निवारण करने हारा है। और भगवान सारी सृष्टि को रचने का कारण है, इसलिए हम प्रभु सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि हम नमस्कार उनको ही करते हैं जिनमें गुण होते हैं या जिन्होंने हमें कुछ दिया होता है। हमसे जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, माताएं, पिताएं, दादी दादाएं या आचार्य हैं, टीचर हैं, बुजुर्ग हैं या कोई बड़े भाई के समान है, जो हमारी आयु से बड़ा है, हम उससे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि उसने कुछ न कुछ हमें दिया है। इसलिए चार जो गुरु हैं उसमें से एक गुरु कैसा होता है? जो कोई भी हो, अपरिचित व्यक्ति भी वो गुरु होता है। क्योंकि भगवान ने जब दत्त अवतार लिया उस समय प्रभु ने ऐसे अपरिचित लोगों को गुरु माना जिनके साथ में कोई संबंध नहीं है हमारा, और उनकी पात्रता ऐसी नहीं है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश संसार में आकर एक ब्राह्मण का धर्म निभाते, और वो कहते हैं कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए कि वो सबसे अच्छा ही लेता रहे, सबसे अच्छा ही लेता रहे, सबसे महानता लेते हुए, सबसे बड़म्बन लेता रहे, सबसे गुण लेता रहे। वो ब्राह्मण एक दिन जो है गुरु आसन पर बैठ जाता है, और वही अनुसुई पुत्र ब्राह्मण दत्त भगवान ने किया। क्योंकि ये तीनों जिसमें विराजमान हो जाते हैं वह शरीर ब्राह्मण शरीर हो जाता है। ब्रह्म विराजमान हो जाए, विष्णु विराजमान हो जाए, शिव विराजमान हो जाए, वो ब्राह्मण शरीर बन जाता है। ब्राह्मण का दूसरा नाम है देव शरीर बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है। तो भागवत की कथा के माध्यम से अब हम सभी 40 गांव वासियों को, नारियों को यह सीखना है कि एक आदमी को देवीय गुण धारण करने का क्या क्या उद्देश्य फल मिलता है, सम्मान सुख समृद्धि मिलती है। अब हम लोग वही धारण करें, मानवीय गुण तो हम धारण अच्छे से नहीं कर पाए, तो ये 7 दिन में मानवीय गुण भी बढ़ाएं, और जैसे जैसे मानवीय गुण बढ़े वैसे वैसे दैवीय गुण भी बढ़े। थोड़े थोड़े दैवीय गुण बढ़ेंगे तो सुंदरता भी बढ़ी है, और उसमें सुंदरता शरीर की, मन की, बुद्धि की, परिवार की, सबकी सुंदरता बढ़ती है उससे। एक महापुरुष दिव्य पुरुष शक्ति का परिवार चाहे अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, लाकूला हो, टेढ़े मेढ़े हो, लड़े बहरे हो, कभी वो पूज्य हो जाता, दर्शनीय हो जाता, वंदनीय हो जाता। एक महापुरुष के परिवार को एक व्यक्ति की गुणवत्ता पूजनीय बना देती है, सुंदर बनाती है, प्रसन्न और प्रशंसनीय बनाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें पूरे परिवार को अच्छा होना है, पर नहीं चांस मिला तो इसी एक व्यक्ति को थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे हम सब लोग किसी की शादी में नहीं जा सकते, तो करने के लिए परिवार में शिक्षित एक व्यक्ति को अच्छा करो, एक व्यक्ति को मान करो। सभी मान होने चाहिए, नहीं हो सकते। संसार है, प्रपंच है, झूठ है, फरेब है, छल है, कपट है, व्यापार है, उद्योग है, तो किसी एक को अच्छा करना चाहिए। क्योंकि घर में कई लोग जो है दुकानों व्यापारों पर बैठते हैं, घर में जितने लोग हैं सभी बैठते हैं, पर उनमें से कोई एक मुखिया टाइप का भी रहता है। जिसके पास पूरा परिवार जो है सारे हिसाब किताब बताता है, आज क्या हुआ, व्यापार धंधा, नुकसान फायदा, शाम को हम उसे बताते हैं परिवार में। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया का चयन करता है, दादा का, पिताजी का, बड़े भाई का, छोटे भाई का, जिसका भी करता होगा, पर कोई एक मुखिया घर को रहता है,
और उसी मुखिया की वजह से घर जो है सिद्धांत से सिस्टम से चलता है। घर के सारे लोग काम करते हैं, हुकूमत आज्ञा मालकी एक व्यक्ति करता है, उस घर में बड़ी शांति बड़ा नियोजन रहता है।